तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का कौन बनेगा भिकमंगा के एक और नए शो पे। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जहाँ पे आज हम लोग अपने इस फीमेल सब्सक्राइबर के अकाउंट पे, लेकिन एक सेकंड यार, यहाँ पर इनका नाम है मिस एंजल, कहीं ये फेसबुक वाला एंजल प्रिया तो नहीं? तो चलो यार चलते हैं हमारे सब्सक्राइबर के पास एंड उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या ये पापा की परी है या फिर मम्मी का मगरमच्छ। एंड इसी बहाने ये भी जान लेंगे कि इनको अपने अकाउंट पे क्या क्या रेयर आइटम चाहिए। हेलो एमडीएस भाई, थैंक यू मुझे विनर सेलेक्ट करने के लिए। और मैं सिक्किम से हूँ, मेरा नाम जसवादुर है। मेरे को M10 कार और न्यू मॉडल चाहिए, और आप जो निकाल के दे सकते हैं वो निकाल के दे सकते हैं। अरे भैया धोखा, लौंडिया के अंदर लड़का मतलब तलवार में तलवार। अबे ये तो मम्मी का मगरमच्छ निकला पापा की परी से। ये साला फीमेल करेक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? हटा फीमेल करेक्टर को, अब ठीक लग रहा है गाइस। बताओ यार ये एंजल प्रिया निकला भाई फेसबुक वाला। यार मैं सोचा था पहली बार कोई फीमेल सब्सक्राइबर हमारे पास आया भाई, उसके अकाउंट पे 5000 से ज्यादा डायमंड टॉप करेंगे, लेकिन गाइस हमारे साथ स्कैम हुआ है। मैं इसके अकाउंट पे गाइस मैं 100 डायमंड टॉप अप कर रहा हूं, यहां से हम लोग निकल लेते हैं भाई, ठीक रहेगा ना गाइस? मस्त प्लान। अरे अरे नहीं यार छोड़ो यार, हमारा सब्सक्राइबर बुरा मान जाएगा। चलो यार कर ही लेते हैं डायमंड टॉप अप। एंड गाइस भाई ने कहा है इनको चाहिए ब्रांड न्यू ओपी सा पैराडॉक्स का ये इवो बंडल। एंड गाइस साथ में भाई ने कहा है इनको इवो वेपन की स्किन्स चाहिए। भाई साहब ये सारी चीजें तो निकाल के देंगे ही, लेकिन गाइस इसके अलावा भाई ने ये कहा है एमडीएस भाई आपको जो अच्छा लगे वो निकाल के दे दो। एंड साथ ही में जब मैं वीडियो कॉल पे बात किया तो मैंने पूछा भाई तुमने ऐसा नाम क्यों रखा है, तो इसने कहा था यार एमडीएस भाई मेरे एक दोस्त ने ये नाम रख दिया है, दैट्स व्हाई मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास नेम चेंजिंग कार्ड नहीं है। तो कोशिश करेंगे अगर स्पिन के ड्यूरेशन में नेम चेंजिंग कार्ड मिल गया ना तो हम लोग एक्सचेंज वाले सेक्शन से नेम चेंजिंग कार्ड भी परचेस कर लेंगे, बट डिपेंड करता है लक पे। तो चलो यार सबसे पहले चलते हैं हम लोग डायमंड के खदान के अंदर एंड टॉप अप किए जाए ढेर सारे डायमंड। तो चलो भाई के अकाउंट पे टॉप अप किए जाए ढेर सारे डायमंड। तो ये हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है एंड पेमेंट भी हो चुका है फाइनली सक्सेसफुल। एंड भाई के अकाउंट पे आ चुके हैं 5000 से भी ज्यादा डायमंड। एंड गाइस आप लोगों को पता होगा डायमंड टॉप अप रिवॉर्ड में हम लोगों को क्या मिल रहा है भाई साहब, ओपी सा हाइपर बुक। एंड हाइपर बुक के साथ जो टोकन मिल रहे ना भाई बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हम लोग लेवल 3 तक सारे के सारे आइटम को एक्सचेंज कर सकते हैं इस ओपी से टोकन के हेल्प से। तो अभी हम लोग यही करने वाले हैं गाइस, भी टोकन मिलना हाइपर बुक के सारे टोकन के हेल्प से हाइपर बुक को एक्सचेंज तो करेंगे। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर जो बंडल निकल कर सामने आया गाइस आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक है। एंड जहां तक मेरे को पता है इस बंडल को निकालने के लिए कम से कम आप लोग को 2 से 3 हजार डायमंड तो देने पड़ेंगे। एंड इस भाई के अकाउंट पे मैं ये बंडल के साथ साथ ये जो मांग रहे सब कुछ तो निकाल के दे दूंगा, लेकिन गाइस अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ऐसा ट्रिक जिसके हेल्प से आप लोग ये बंडल तो निकाल ही पाओगे, इसके अलावा गाइस बिल्कुल फ्री में आप लोग 2 से 3 हजार डायमंड ले पाओगे, या फिर आप लोग चाहो तो वीकली और मंथली मेंबरशिप तो ऐसे ही ले पाओगे बिल्कुल फ्री में। एंड वोया पास भी गाइस आप लोग के लिए चुटकियों का खेल होगा फ्री में लेना। और जैसे कि मैंने बताया ये बंडल तो आप लोग बिल्कुल फ्री में निकाल ही लोगे, इसके अलावा लेजेंडरी गन स्किन्स, इमोट्स या फिर ईओ वेपन के स्किन्स भी आप लोग फ्री में ले सकते हो। तो जानना चाहोगे कैसे? तो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैं यूज करता हूँ विंजो गोल्ड एप्लीकेशन एंड सिर्फ एक ट्रिक से मैं दिन भर में 500 से 1000 डायमंड आराम से जीत लेता हूँ। तो अगर आप लोग भी फ्री में डायमंड्स एंड रिडीम कोड लेना चाहते हो तो इस ट्रिक को ध्यान से सुनो। डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी विंजो गोल्ड एप्लीकेशन की, लिंक पे क्लिक करके जल्दी से विंजो गोल्ड को डाउनलोड कर लो। यहाँ पर देख सकते हो 550 रुपए आप लोगों को फ्री में मिल रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को किसी एक ऐसे मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है जिससे आप लोगों ने विंजो गेम को कभी ना खेला हो। रजिस्टर करने के बाद ही आप लोग को 550 रुपए मिलने का ये नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर आपका ऐसा मैसेज नहीं आता है मतलब कि आपके मोबाइल नंबर से पहले से ही किसी ने विंजो गोल्ड को डाउनलोड करके उसे खेल लिया है तो आपको एक नए मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद गाइस आप लोग इनमें से किसी भी एक फ्री गेम को खेलना होगा तभी आप लोग को 550 रुपए मिलेंगे। तो जैसे आप लोग इनमें से किसी एक फ्री गेम को खेल लेते हो तुरंत ही आप लोग को 550 रुपए मिल जाएंगे। और बात ये पर खत्म नहीं होती, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड को ये विंजो रेफर करोगे एंड वो डाउनलोड करेगा इंस्टेंटली आप लोग को 100 रुपए और मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर फ्री के गेम्स खेलकर आप लोग आराम से टॉप 5 टॉप 10 करके 200 से 500 रियल कैश जीत सकते हो और अपने फोन पे एंड गूगल पे पे ले सकते हो। तो विंजो गोल्ड एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाओ जल्दी से डाउनलोड करो। ओके तो आपके डायमंड का जुगाड़ हो गया, जाओ फ्री में ढेर सारे डायमंड्स लूटो। एंड मैं कहूंगा गाइस कम से कम 3 से 4 हजार डायमंड फ्री में लेकर एटलीस्ट ये ओपी सा इवो बंडल तो निकाल ही लेना भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये इवो बंडल। तो चलो जल्दी से चला जाए लक रॉयल के अंदर। एंड गाइस यहां पे करने वाले स्पिन एंड देखा जाए कि भाई का लक कितना साथ देता है एंड क्या ये बंडल हम लोगों को सस्ते पे मिल पाता या फिर हमारा पूरा का पूरा 5000 डायमंड चला जाएगा इस बंडल को निकालने में। तो चलो गाइस सब लोग मिलके बोलो बंगाली बाबा की जय हो एंड पहले
स्पिन लगेगा बंगाली बाबा के नाम पे। और पहले स्पिन पे बंगाली बाबा ने हक दिया, ठीक है, बैनर दिलाया है एंड स्क्रीन थोड़ा सा ग्लिच हुआ था गाइस, चलो ठीक है, बैनर दिलाया है पहले स्पिन पे बंगाली बाबा ने, लेकिन यार पहले स्पिन पे टोकन दिलाता तो ज्यादा सही रहता यार, बट चलो कोई ना। पहले स्पिन पे हम लोग को मिला है बैनर या फिर अवतार था वो, आई डोंट नो। अरे यार ये क्या है भाई, ये तो स्कैम इन 200 हो रहा गाइस, पहले स्पिन पे हक दिया एंड सेकंड स्पिन भी स्कैम इन 200 हो गया यार। बंगाली बाबा के नाम पे स्पिन पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, चलो ये स्पिन होगा हमारे सब्सक्राइबर्स के नाम, हमारे सारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स के नाम। और अरे भाई यार नहीं यार ये नहीं भाई, थोड़ा और भी रेयर आइटम देना चाहिए था यार। अबे भाई ये क्या यार भाई, टट्टी सा परांग का स्किन में निपटा दिया। एंड गाइस अचानक से जब मैंने इसको देखा था ना भाई, मेरे को लगा था ये सरबोट का स्किन है, लेकिन नहीं भाई ये परांग की स्किन है लॉल्स। तो या तो हम 3 टोकन के हेल्प से यहाँ से परांग की स्किन ले सकते हैं, या तो फिर हम लोग सीधा यहाँ से परांग की स्किन को सेंड टू वॉलेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं अभी हम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग बैकपैक वाले सेक्शन से कुछ भी चीजें एक्सचेंज नहीं करेंगे। अरे यार कुछ तो दिलाओ गैरा वालो, अबे ये क्या दिला रहे हो सुवारो, शर्म नहीं आती भाई, ये क्या है भाई। गाइस मैं यहाँ से बैकपैक वाले सेक्शन से सारे के सारे आइटम्स को करने वाला हूँ क्विक सिलेक्ट एंड यहाँ से मैं स्पिन करने वाला हूँ। लेट्स सी 21 स्पिन पे हम लोग को एक भी टोकन मिलता है। अरे भाई क्यों ये सेम आइटम कितनी बार दिलाओगे तुम लोग सालों, क्या है भाई ये। गाइस अगर ऐसे ही चलता रहा ना मैं बता रहा हूँ हमारे साथ स्कैमिंग 200 हो जाएगा एंड मेरे को फिर से ढेर सारे डायमंड टॉप करने पड़ेंगे। गैरा वालों क्या कर रहे हो, अबे मेरा घर चला जाएगा इस बंडल को निकालने में। ओके फाइनली गैरा वालों ने एक टोकन दिलाया है एंड एक टोकन के हेल्प से हम लोगों को कुछ खास आइटम तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गाइस एक टोकन के हेल्प से अवतार एंड बैनर ही मिलेंगे बस। एंड यहाँ पे टोटल 2 टोकन गाइस हमारे पास कलेक्ट हो चुके हैं और हमें चाहिए 3 टोकन एंड 3 टोकन के लिए कितने स्पिन। अरे 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 भाई ओपी बोलते गाइस, क्या बात है भाई, फाइनली भाई 3 टोकन मिल चुका है हम लोगों को। एंड गाइस मे बी इस इवेंट में कुछ ग्लिच हो पीसी पे ना, कभी कभी जब स्पिन हो रहा है स्पिन के ड्यूरेशन में थोड़ी देर के लिए स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है, आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रुक जा रहा है, तो मे बी ये इवेंट का कुछ ग्लिच हो पीसी पे ढंग से काम नहीं कर रहा, बट फोन पे ऐसा कुछ नहीं होगा तो डोंट वरी भाई। 3 टोकन हो चुके हैं गैना वालों की, जय हो प्लीज गैना वालों, बस ऐसे ही 4th और 5वां टोकन दिला दो। अरे भाई हगना स्टार्ट कर दिया गाइस, भाई ये जब भी टोकन टावर वाला इवेंट आता ना लिटरली भाई दिमाग खराब कर देता है। एंड पता नहीं सीवो बंडल को निकालने के लिए हम लोग को कितने डायमंड देने पड़ेंगे भाई, कुछ फिक्स भी नहीं है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर प्राइस पूल पे देखूँ तो ये बंडल तो है ही एंड इसके अलावा ये टट्टी सी मास्क की स्किन एंड ये सारे आइटम्स है, लेकिन गाइस यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है हम लोग को टोटल कितने डायमंड देने पड़ेंगे। अबे ये लो भाई यहाँ पर फिर से स्कैवन 200 हो गया गाइस, यहाँ पर हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, बस टट्टी आइटम ही मिला है एंड हमारे 1600 डायमंड खत्म हो चुके हैं, मतलब कि हमारे 1600 डायमंड खत्म हो चुके हैं एंड हमें क्या मिला है, बस ये फुद्दू सा अवतार बैनर एंड ये परांग की स्किन। भाई ये परांग की स्किन लेके हम लोग क्या करेंगे यार, नहीं चाहिए भाई, ना तो हमें ये परांग की स्किन चाहिए, ना तो ये हमें अवतार चाहिए, ना तो हमें बैनर चाहिए गाइस, हमें जो चाहिए वो है ओपी सा लेजेंडरी बंडल एंड उसको लेने के लिए पता नहीं हम लोग कितने डायमंड और खर्च करने पड़ेंगे हमारी सब्सक्राइबर के अकाउंट पे। एक तो यार ये हमारा मम्मी का मगरमच्छ पापा की परी बन के बैठा हुआ है एंड देख लो गाइस यहाँ पर पनौती पे पनौती लगे जा रहे हैं भाई, क्या है ये, अब दिला दो गरीना वालो, अब स्कैम मत करो यार, अबे इतना स्कैम कर रहे हो पेट नहीं भरा क्या तुम्हारा भाई, सब्सक्राइबर का अकाउंट है समझ जाओ, ठीक है मैं मानता हूँ बंदे ने लड़की का नाम रख लिया, अबे इतना तो सजा मत दो इसको भाई, स्कैम पे स्कैम करे जा रहे। अरे यार ये क्या है भाई, ये सारे टोकन नहीं चाहिए यार, हमें जो चाहिए वो दिला दो ना, बस हमें 2 लेजेंडरी टोकन चाहिए बंडल्स के लिए ताकि हम लोग बंडल निकाल पाए। इस टोकन का नाम क्या है गाइस, लेट मी चेक, इस टोकन का नाम है पैराडॉक्स टोकन। भाई हमें 2 और पैराडॉक्स टोकन चाहिए एंड बैकपैक में जगह भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो चलो फटाक से सिलेक्ट ऑल करते हैं एंड यहाँ से जितने भी आइटम है सारे के सारे आइटम को सिलेक्ट करके करते हैं स्पिन। क्या लगता है गाइस यहाँ पर, अरे एक टोकन तो दिला दो सालो, अबे इतना सारा मैं टोकन सिलेक्ट करके स्पिन कर रहा, अबे एक टोकन दिलाने में क्या हो रहा है गाइस यहाँ पर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एंड इस वाले टोकन के हेल्प से भी हमें बस ये टट्टी सा मास्क मिलेगा, क्योंकि बंडल के लिए तो गाइस हमें कितना सारा स्पिन करना पड़ेगा आप लोगों को पता है यार, मैजिक क्यूब की मां की आग भाई, अबे कितना मैजिक क्यूब दिलाओगे सालो, बस कर दो यार भाई, नहीं चाहिए मैं मैजिक क्यूब, अबे ऐसा मत करो गैना वालो सालो, मादर नंदन बस करो, ये सब्सक्राइबर का काउंट है समझते क्यों नहीं हो भाई। ये स्पिन भी आगा गाइस, ये कितना ज्यादा स्कैम इन 200 कर रहे यार, ये इवो बंडल को निकालने में लग रहा है ना मेरा 5000 डायमंड जाएगा, लग नहीं रहा सच में 5000 डायमंड ही जाएगा क्योंकि गाइस 2 टोकन के चक्कर में। अरे अब तो दिला दो सालो मादर नंदनो, अबे कितना डायमंड खाओगे, बस कर दो यार, सब्सक्राइबर का काउंट समझ में क्यों नहीं आता है गाइस इन लोगों को। लो भैया स्कैम इन 200 हो गया, बैकपैक पे टोटल 62 आइटम्स जमा हो चुके हैं, फिर से हम लोग स्पिन करते हैं टोटल 62 आइटम के साथ। अबे क्या है ये भाई, नहीं चाहिए गन स्किन, हमें नहीं चाहिए टट्टी आइटम, बॉनफायर गन स्किन ये सब नहीं चाहिए भाई, हम लोग को चाहिए पैराडॉक्स। तो भाई ये लो गाइस फिर से स्कैम इन 200 हो गया भाई, लिटरली हमारे
और 5000 डायमंड मेरे को लग रहा है गाइस, हमारे 5000 डायमंड बस यही पे खत्म होने वाले हैं, क्योंकि गाइस आप लोग देख सकते हो सिर्फ 2000 डायमंड बचा है। हम लोगों ने 5600 डायमंड टॉप किया था एंड सिर्फ 2000 डायमंड बचा है यार। ना तो हमारे बंगले बाबा काम आ रहे, ना तो हमारे सब्सक्राइबर्स काम आ रहे, भाई ये कैसा इवेंट है गैना वालो, अबे रहम कर दो यार, नहीं चाहिए इतने टट्टी आइटम, सब्सक्राइबर का अकाउंट है मान जाओ भाई, हम लोगों को जो चाहिए एटलीस्ट वो दिला दो ना यार, भाई मैं पागल हो जाऊंगा। पता नहीं हम लोगों ने कितने स्पिन कर डाले, फाइनली गाइस फोर्थ टोकन हम लोग को मिल चुका है, मतलब कि यार पूरे के पूरे 5600 डायमंड हमारे जाने वाले गाइस। अब तो मेरे को ये 100% श्योर हो गया, पूरे के पूरे 5600 डायमंड तो गाइस हमारे जाने वाले हैं सिर्फ इस वाले इवेंट को निकालने के लिए। एंड यहाँ पर देख सकते हो स्कार्फ की स्किन कुछ ऐसे निकल कर सामने, ये बहुत टट्टी है भाई, सीरियसली बहुत टट्टी है, सालों 4 टोकन देने के बाद तुम ये टट्टी सा स्कार्फ का स्किन दिला रहे हो भाई। गन का स्किन है, दूसरा बंडल है, बहुत सारी चीजें दिला सकते थे, लेकिन भाई सब दिलाया क्या इन लोगों ने, टट्टी सा स्कार्फ का स्किन भाई। अरे यार अब तो दे दो भाई, 1 टोकन के चक्कर में क्या पूरे के पूरे 2500 डायमंड खाओगे हमारे। हमें मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि इनको चाहिए वेपन की स्किन्स एंड साथ में बंडल, क्या क्या मतलब कहना क्या चाहते हो, बस मैं सब्सक्राइबर का अकाउंट पे इतना ही निकाल के दूं और कोई रेयर आइटम निकाल के नहीं दूं भाई, बस कर दो। ओके गाइस कुछ तो मिला, कांग्रेचुलेशंस। अरे भाई गाइस फाइनली भाई हम लोगों को टोकन मिल गया, मैं बता नहीं सकता गाइस मैं कितना खुश हूं भाई साहब, फाइनली 5 टोकन कलेक्ट हो चुके हैं पैराडॉक्स के, एंड यहां से जितने भी वेपन के क्रेट है ना, सारे के सारे वेपन के क्रेट हम लोग वर्ल्ड वाले सेक्शन पे क्लेम करने वाले हैं, क्योंकि गाइस ये हमारे काम आने वाले, बाकी के हेल्प से हम लोग स्पिन करेंगे एंड देखते हैं क्या हम लोग को और भी कुछ वेपन के क्रेट्स मिल सकते हैं, अगर मिल गए तो फायदा ही रहेगा हमारा। ओके 2 और वेपन के क्रेट्स मिले, चलो इसको भी वर्ल्ड वाले सेक्शन पे कर लेते हैं क्लेम, इससे फायदा ये होगा गाइस, क्या पता किसी एक वेपन के क्रेट से कोई एक वेपन की स्किन परमानेंट मिल जाए, तो चलो पटाख से बंडल को किया जाए क्लेम। और गाइस कांग्रेचुलेशंस के एनिमेशन के साथ आ चुका है डार्क पैराडॉक्स का ये ओपी सा बंडल, एंड चलो फटाक से ओपन करते हैं एंड किया जाए एक्विप। और गाइस इस बंडल के साथ क्या क्या मिल रहा है गाइस आप लोग हैरान हो जाओगे देखकर, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बहुत सारी अचीवमेंट भी अनलॉक हुई इस बंडल के साथ। पहला जो आइटम है इस बंडल का वो है कलर चेंज इफेक्ट, मतलब कि गाइस आप लोग चाहो तो इस बंडल का कंप्लीट कलर चेंज कर सकते हो भाई साहब, गोल्डन पैराडॉक्स बंडल भी आ चुका है भाई के पास, एक बंडल के अंदर टोटल 3 बंडल का मजा है। तो चलो गाइस भाई का पहला डिमांड हो चुका है कंप्लीट, एंड भाई का दूसरा डिमांड था कि इनको इवो वेपन की स्किन चाहिए, तो चलो गाइस देखते हैं यहाँ से हम लोगों को कोई 2 इवो वेपन की स्किन कितने में मिलती है। कोशिश तो ये रहेगा सस्ते पे हम लोगों को कोई एक इवो वेपन की स्किन मिल जाए, वैसे 2 इवो वेपन की स्किन चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता स्पिन की ड्यूरेशन में सेम इवो वेपन की स्किन हमें 2 बार मिले। हाँ भाई को फायदा तो होगा कि इसका जो वेपन का स्किन है वो लेवल 3 तक अपग्रेड हो जाएगा। अरे अरे भाई कांग्रेचुलेशंस कैसे हो गया, अरे भाई ओपी गाइस ये क्या था, मैं तो बस आपसे बात ही कर रहा था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया ये कब हुआ भाई, पहले स्पिन पे M10 की स्किन मिल गई गाइस, ये क्या था भाई मैं पागल हो जाऊंगा, ये क्या हो रहा है गाइस यार, पहले स्पिन पे भाई के अकाउंट पे मिला है ओपी सा M10 का स्किन यार, डायमंड टॉप अप करना तो बनता गाइस, यहां पर मैं बिना डायमंड टॉप अप किए हुए नहीं रह सकता भाई, डायमंड तो टॉप अप करना बनता है गाइस, इतना खतरनाक सा कुछ होगा मैंने सोचा भी नहीं था। एंड यहां पे एज अ रिवॉर्ड मैं भाई के अकाउंट पे डायमंड टॉप कर रहा हूं, क्योंकि पहले स्पिन पे हम लोगों को मिल गया सीधा लेजेंडरी M10 का स्किन गाइस, यही तो बहुत सारे बंदे चाहते हैं। लेकिन भाई ने वीडियो कॉल के ड्यूरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि हमको कोई स्पेसिफिक वेपन का स्किन चाहिए, बस इसने कहा था मनीष भाई कोई भी 2 वेपन का स्किन निकाल देना यार, वो वाला चलेगा। तो देखते क्या होता है, इस बार भी हम लोगों को दूसरा वेपन का स्किन मिलता है या फिर हम लोगों को M10 का स्किन फिर से मिल जाएगा। गाइस मैं नहीं चाहता हूं M10 का स्किन फिर से मिले, क्योंकि यार यहां पर हम लोग और भी बहुत सारे चीजें परचेस कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूं M10 के स्किन के बदले हम लोगों को MP5 का स्किन मिल जाए। चलो थॉमसन भी चलेगी एक टाइप से देखा जाए तो, थॉमसन भी बढ़िया है, लेकिन रोटेशन में हम लोग को M10 का स्किन नहीं मिलना चाहिए वरना स्कैमिंग 200 हो जाएगा हमारे साथ। तो प्लीज गाइस वालों सब्सक्राइबर का अकाउंट है भाई, पहले वाले इवेंट में तो स्कैम हो चुका है, तो प्लीज आप स्कैम मत करना ठीक है। तुम 50 स्पिन लेना चाहते हो तुम पूरा का पूरा 50 स्पिन ले लो, लेकिन हमारे साथ स्कैमिंग 200 नहीं होना चाहिए, हम जो मांग रहे वही दिला देना, या तो ओपी साइज स्कार वेपन का स्किन दिला देना या फिर MP5 की स्किन दिला देना। हाँ थॉमसन भी चलेगी, लेकिन प्लीज रोटेशन में रिपीट में हम लोगों को ये मत दिलाना यार, प्लीज यार ये मत दिलाना गाइस वालों प्लीज। ओके अचीवमेंट अनलॉक हुआ है, शायद से हम लोगों को कोई एक और वेपन की स्किन मिली है, बट कौन सी लाइट शेड आउट देखा जाए गाइना वालों, प्लीज कोई ढंग का वेपन का स्किन दिलाना। ओके फाइनली हम लोग को मिल चुका है मेगालोडॉन इवो स्कार वेपन की स्किन, चलो गाइस ये भी बहुत बढ़िया है भाई साहब, देखा जाए अब भाई का वर्ल्ड बन रहा है ना एकदम सेक्सी, ये रहा गाइस 1 ये रहा 2 ये रहा 3 भाई साहब देख रहे हो भाई का वर्ल्ड और भी ज्यादा ओपी लग रहा है। एंड अभी कहां, अभी भी गाइस हमारे पास बहुत सारे डायमंड बचे हुए, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो जो वेपन का स्किन मैं परचेस किया हूं यहां से उसको अपग्रेड कर दूं, जो कि मेरे को लग रहा बेनिफिट नहीं होगा,
एंड हमारे डायमंड को लॉस ही होगा। लेकिन गाइस इसके अलावा मैं चाहूँ तो यहाँ पर ढेर सारा स्पिन करके एक ही वेपन का स्किन भाई के अकाउंट पे निकाल के दे सकता हूँ। एंड क्या पता है स्पिन के ड्यूरेशन में हम लोगों को कोई इमोट या फिर ग्लोवल का स्किन भी मिल जाए। तो गाइस मैं यही करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से हम लोग को ज्यादा फायदा मिल रहा है एंड उस वाले स्पिन से कम फायदा मिल रहा है। दैट्स व्हाई गाइस हम लोग यही पर स्पिन करेंगे। एंड भाई के पास पहले से 28 टोकन पड़े हुए, तो मे बी एक ही का स्किन तो यार इजी पीजी तरीके से हम लोग निकाल ही लेंगे। ओके बैकपैक स्किन अलग का मिल चुकी है, ये बिना बात। चलो गाइस ओपी सा बैकपैक। अरे भाई क्या बात है गाइस, ग्रेनेड की स्किन भी मिल गई भाई, दो आइटम तो भाई के अकाउंट पे ऐसे ही क्लेम हो गए। लेकिन गाइस जहां तक मेरे को पता है मैंने अभी तक हाइपर बुक को अपग्रेड नहीं किया है। क्या होगा अगर मैं हाइपर बुक को अपग्रेड करने के बाद स्पिन करूं तो उसके बदले में हमें ढेर सारे टोकन एक्सचेंज में मिलेंगे। तो मैं यहां से अरे हाइपर बुक को अब मैं अपग्रेड नहीं कर सकता गाइस इसके लिए। ओके शायद से अच्छा अगर मैं पेज को अनलॉक कर दूं तो फोर्थ लेवल के लिए हमें टोटल कितने देने पड़ेंगे। ओके फोर्थ लेवल के लिए हम लोग को ओनली 55 टोकन देने पड़ेंगे। चलो गाइस मैं फोर्थ लेवल भी अनलॉक कर रहा हूं। हाइपर बुक का चार आइटम भाई का इजीली अनलॉक हो चुका है एंड यहां से तो हम लोग स्पिन से ही निकाल ही लेंगे। एंड साथ में भाई के पास थोड़े से टोकन है, वो टोकन भी फ्यूचर में यूज आ ही जाएगा। भाई हाइपर बुक का टोटल चार आइटम हम लोगों ने क्लेम कर लिया है गाइस इजी पीजी तरीके से एंड हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ चार आइटम और। तो क्या लगता है गाइस स्पिन के ड्यूरेशन में मिलेगा? ओके भाई क्या लग चल रहा है बंदे का गाइस, मजा आ गया भाई साहब। स्पिन के ड्यूरेशन में शायद से हम लोगों को ग्लोवल की स्किन मिल चुकी है एंड अगर ग्लोवल का स्किन नहीं भी मिलेगा ना तो चलेगा गाइस, क्योंकि भाई इतने सारे ओपी आइटम तो मिल ही रहे हैं। ग्लोवल की स्किन 100% ग्लोवल की स्किन है पता था। एंड अगर ये नहीं भी मिलता ना गाइस तो यहां पर जितने टोकन मिल रहे ना इजी पीजी तरीके से सारे रेयर आइटम तो लोग निकाल लेते हैं। एंड ये शायद के स्किन के बदले भी 5 टोकन दे रहे हैं, कितने मादर नंदन है गाइस ये लोग बताओ यार, शर्म नहीं आती सालों को सब्सक्राइबर के अकाउंट में। एक तो इतना रेयर आइटम निकाल के दे रहा हूं, ये 5.5 टोकन दे रहे यार रेयर आइटम के बदले। तो गाइस हाइपर बुक का सिर्फ 3 आइटम बचा हुआ है भाई के अकाउंट में निकालने के लिए। एंड क्या लगता है गाइस, क्या ये 3 आइटम निकलेगा या फिर हम लोगों को एक एक स्किन को निकालने के लिए फिर से ढेर सारे डायमंड टॉप करने पड़ेंगे? जहां तक मेरे को लग रहा है गाइस एक एक स्किन को लेने के लिए हम लोग को थोड़ा और डायमंड टॉप अप करना पड़ सकता है। लेकिन अगर स्पिन के ड्यूरेशन में हम लोग को इमोट या फिर स्काइविंग के स्किन मिल गया तब तो भाई ओपी ओपी। वैसे एक्सपेक्टेशन तो मेरा इतना नहीं है कि हम लोग को स्काइविंग का स्किन या फिर इमोट मिलेगा, लेकिन गाइस अगर मिल गया तो मजे ही मजे आ जाएंगे। एंड 10 टोकन ये साढ़े नहीं दिला रहे भाई, अबे 5-5 टोकन दिलाए जा रहे एंड एक एक टोकन दिलाया जा रहा है। 3 टोकन 5 टोकन नहीं, हमें 10 टोकन चाहिए, साढ़ो 10 टोकन दिलाओ, हमें 10 टोकन चाहिए या फिर स्पिन के ड्यूरेशन में कोई एक ओपीस आइटम दिला दो गाइस वालों प्लीज यार। भाई हम लोगों को बस एक एक का स्किन दिला दो, एक एक का स्किन नहीं दिला सकते तो भाई बंडल ही दिला दो, आई मीन टू से स्काइविंग का स्किन ही दिला दो या फिर ओपीस इमोट ही दिला दो, अभी कुछ तो दिलाओ यार, बस टोकन पे टोकन दिलाए जा रहे गाइस ये लोग। चलो कोई ना ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई आई होप यहां पर। अरे भाई क्या है ये, फिर से हम लोग को बैकपैक मिला। चलो गाइस ये वाले स्पिन में स्किप करता हूं, लेट्स सी देखा जाए। चलो बैकपैक मिला हम लोग को, बैकपैक की तो कुछ खास नहीं था एंड 152 टोकन हो चुके। तो अगर मैं ये वाला स्पिन करूं एंड इस वाले स्पिन पे 20 से ज्यादा टोकन हम लोग को मिल गए तो इजी पीजी तरीके से गाइस हम लोग एक एक स्किन को आराम से निकाल के दे पाएंगे। तो चलो देखा जाए क्या हमारे 20 टोकन यहां पर होंगे। ओके भाई 10 टोकन मिल गया इस वाले स्पिन पे, बढ़िया है यार। तो 183 टोकन हमारे पास हो चुके एंड फाइनली हम लोग ओपी से एक एक स्किन को निकाल कर दे सकते हैं। भाई एक और लेजेंडरी वेपन का स्किन भाई के अकाउंट पे ऐड हो चुका है एंड इसको शो इन लॉबी तो कराना बनता है। पहले गैलरी वाले सेक्शन पे इसको अपडेट करो, कहा गया ये रहा। एंड चलो गाइस शो इन लॉबी कराते हैं वेपन वाले सेक्शन से। तो ये हो गया शो इन लॉबी। और रे भाई साहब क्या लग रहा है भाई, जरा देखो तो गाइस ओपी से बंडल के साथ ओपी सा वेपन का स्किन भाई क्या ही खतरनाक लग रहा है गाइस। देखकर अब लग रहा भाई का अकाउंट अल्ट्रा लेजेंडरी प्रो लेवल पे जा चुका है एंड बाकी जो डायमंड बचे मैं भाई का अकाउंट पे ऐसे ही छोड़ रहा हूं, क्योंकि यार भाई ने पहले से ही भैया पास परचेस कर रखा है, वरना मैंने सोचा था डायमंड टॉप करके मैं भाई के अकाउंट पे भैया पास भी परचेस कर दूंगा, लेकिन भाई ने पहले से ही भैया पास परचेस कर रखा है एंड भाई ने जो जो डिमांड किया था वो सारी की सारी चीज हम लोगों ने निकाल कर दे दी है गाइस भाई के अकाउंट पे। तो गाइस आप लोग जल्दी से कमेंट कर बताओ आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, भाई का अकाउंट कैसा लगा, ये बंडल कैसा लगा। एंड गाइस जैसे कि आप लोग को पता होगा मैं अपने सब्सक्राइबर का अकाउंट सिलेक्ट करता रहता हूं एंड अभी ये ओपी था लेजेंडरी वो बंडल तो सारे के सारे सब्सक्राइबर के अकाउंट पे मैं निकाल के दूंगा। तो क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है एंड गाइस आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम का, जाओ जल्दी से इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो एंड फॉलो करना जरूरी है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो मैं डेली रील वगैरह डालता रहता हूं, तो बस किसी भी एक रील को लाइक कर देना एंड उसी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अपना नाम और अपनी गेम की आईडी। जल्दी मैं किसी लकी विनर को सिलेक्ट करूंगा एंड उनके अकाउंट पे ढेर सारे डायमंड टॉप करके वो जो जो डिमांड करेंगे सब कुछ परचेस करके दे दिएंगे, तो फटाक से पार्टिसिपेट करो। तो चलो यार वीडियो को एंड करते हैं, मैं मिलूंगा किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून।